मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट आई विश कोरोना है स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, सो बी अलर्ट एंड बी सेफ विथ योर फैमिलीज। टुडे आई विल टीच यू लेसन नंबर टू, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इट हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इस पाठ में आप लोग टोटो की साहसिक कथा को पढ़ेंगे। स्टोरी है, इसके जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, ये जीव जंतुओं से प्यार करते हैं और यही कारण है कि ये एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया है जो प्रकृति की गोद में भरा हुआ हरा भरा है। उसमें कई पालतू पशु पक्षी को पाल करके उन्होंने रखा है। आज एक तांगे वाले से लेखक ने एक छोटा सा लाल रंग का बंदर 5 रुपये में खरीदा है। ए स्मॉल बेबी दैट इज रेड कलर मंकी हैज बाउट ओनली 5 रुपीज बाई टांगा ड्राइवर। टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में छोटा सा लाल रंग का बंदर खरीदा लेखक ने, जिसका नाम टोटो है। उस टोटो को अपने चिड़ियाघर में ला करके और लेखक ने रखा। लेखक का मतलब यहां पर संबोधन किया गया दादाजी से, ग्रैंडफादर से। तांगा चालक ने वो छोटे लाल के बंदर को एक नार के पास बांध लिया और बंदर उस जगह के प्रतिकूल लगने लगा, सभी जीव जंतुओं से घुल मिल कर रहने लगा। दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय किया कि इस बंदर को अपने चिड़ियाघर में रखूंगा। टोटो वाले प्रेटी मंकी बहुत सुंदर बंदर था। टोटो हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड एंड मिस्टिक बिनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी आंखें बहुत चमकीली थी, बहुत चित्ताकर्षक आंखें थी और उसके छोटे छोटे दो आंखों के बीच उजले उजले भाव काफी सुंदर दिखाई पड़ते थे। एंड हिज टीथ विच वेयर पियरली व्हाइट वेयर वेरी ऑफन स्प्रेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एंडर्डी एंग्लो इंडियन लेडीज। उसके सफेद दांत जो काफी सुंदर दिखते थे, विच वेयर पियरली व्हाइट मोती के दाने के समान, उजले मोती दाने के समान दिखाई पड़ते थे। उस दांत को निकोड़ते हुए बंदर को देख करके जो अधेड़ उम्र की स्त्रियां होती थी, एंग्लो इंडियन जो लेडी होती थी, वो काफी डर जाती थी। बट इट हैड टू ड्राइवर दो दे हैड वाइल्ड हैड टू हिज लुक्स। उस बंदर के दो छोटे छोटे हाथ ऐसे लगते थे जैसे वे सूखे हो, बहुत पतले हाथ थे, छोटे बंदर के पतले हाथ थे। दे हैड बीन पिकल्ड ऑन द सन फॉर मेनी इयर्स। ऐसे लगता था कि वे दोनों हाथ भूख में रहने के कारण सूख गए हों। ये फिगर वेयर पिंक एंड विकेट, जबकि उसकी उंगलियां काफी फुर्तीली थी और वह काफी शरारती करने लायक थी। वे उंगलियां काफी शरारती थी। एंड हिज टॉल वाइल्ड एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी जो पूछे थी टेल वो काफी सुंदर दिखाई पड़ती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वो
would add to him was good looks. यानी उसके सुंदर पूछे लोगों के मन को मोहती थी, दादाजी ने ऐसा स्वीकार किया था. Also served as a third hand. और अपनी पूछ को एक तीसरे हाथ के रूप में उपयोग करता था. यह बंदर जो था वो अपनी पूछ को तीसरे हाथ के रूप में उपयोग करता था. He could use it to hang from a branch. इस पूछ के सहारे वह पेड़ की टहनियों से लटक जाता था. And it was capable of scooping up and with excessive that might be out of reach of hands. इस प्रकार से वह जो है पूछ के माध्यम से झपटता था और कोमलता का भाव प्रकट करता था, टेंडरनेस का भाव. देखते हैं आप छोटे कुत्ते वगैरह को जब उसको आप कुछ काटते हैं तो आपकी पूछ को हिलाने लगता है और पूछ हिला करके आपके प्रति भद्रता का भाव दिखाता है, कोमलता का भाव दिखाता है और आप खुश होकर के उस जीव को कुछ खाने के लिए देते हैं, उसे प्यार करने लगते हैं. इस प्रकार कहे मन को लुभाने वाला छोटा सा बंदर बहुत लुभावना था. ग्रैंडमदर ऑलवेज यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू वर्ड्स और एनी. दादा जिस प्रकार से हमेशा कोई नया जानवर या कोई नई पक्षी लाते रहते थे. जब जानवर या पक्षी लेकर दादा जी घर आते थे तो दादी बहुत हंगामा करती थी, दादी को ये सब पसंद नहीं था. इस प्रकार यह निश्चय किया गया कि दादी विशेष रूप से सही मनोस्थिति में ना हो जाए तब तक टोटो की उपस्थिति गुप्त रखी जाए, यानी टोटो को छिपा कर रखा जाए जिसे कि दादी देख ना पाए. इसीलिए उस टोटो को दादाजी ने शायद कच्छ की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खुट्टी से ले जाकर बांध दिया. A few hours later, कुछ घंटे के बाद when grandfather and I came back to release to Toto, कुछ घंटों के बाद दादाजी और मैं टोटो को आजाद करने के लिए वापस आए तो हमने देखा कि उसने खुट्टी को खा दिया था. छोटा बंदर चहल कदमी करने वाला, वो रस्सी को खींच खींच करके खुट्टी को दीवार से कवाड़ दिया था तथा जिन दीवारों पर जिन्हें दादाजी ने पत्नी गई सजावटी पन्नी द्वारा ढकी थी अब वे सब पन्नी कवर गए हैं. दीवार पर जो सटे हुए थे और केवल ईंट दिखाई पड़ रहे थे, दीवारें ऊंगी दिखाई पड़ रही थी, प्लास्टर भी कई जगह टूट गए और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर वहां पहना था उसे टोटो ने फाड़ करके चिथड़े चिथड़े कर दिया. द पेज इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माय स्कूल ब्लेजर व्हिच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन स्ट्रिप्स. उसे चिथड़े चिथड़े फाड़ दिया गया. I wonder why grandmother said, why grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. यानी दादी जी को कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन दादाजी जो है इस बात से प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें जीव जंतुओं के साथ रहने में काफी अच्छा लगता था, उनकी शरारतें काफी अच्छी लगती थी. इसलिए दादाजी बंदर की शरण को देखकर परेशान नहीं थे. His presence in the house is still a secret. घर में टोटो को छिपा कर रखा गया था, टोटो को अब एक बड़े किले में रख दिया गया था जहां पर नौकर वगैरह रहते थे, जहां दादाजी के संग पालतू पशु मिलजुल करके रहते थे. दादाजी के चिड़िया खाने में कछुआ, खरगोश का जोड़ा, एक पालतू की लहरी और इस प्रकार से कई पालतू बकरियां भी रहती थी. एक टॉर्टोइस, एक पेयर ऑफ रैबिट्स, एक टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट डॉग. इट इज इस प्रकार दादाजी ने देखा कि बंदर
रात भर आज आपने किसी साथी को सोने नहीं दिया, आपने चाह कर भी छेड़ा, और अगले दिन टेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर दादाजी को जाना था, तो दादाजी ने सोचा कि इस छोटे से बंदर को भी अपने साथ लेकर सहारनपुर जाऊंगा, जाने का निश्चय कर लिया दादाजी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका था, परंतु उन्होंने बाद में मुझे यह बात बता दिया था। टोटो को रखने के लिए एक बड़ा काले रंग का क्रिमिच का किट बैग उपलब्ध कराया गया। ये बैग ब्लैक कनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। इसके तल में यानी बैग के तल में बैग के अंदर घास फूस डाल दिया गया था, जिससे कि बंदर को लगे कि यह मेरा घर है, घास फूस का मेरा घर है, और बंद बैग को बंद कर दिया गया। बैग से बाहर निकलने के लिए बंदर को कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया था। टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था तथा किमिच इतना मजबूत था कि बंदर इसे दांत से भी नहीं काट सकता था। उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर ढकते रहता था। जब प्लेटफॉर्म पर दादाजी उतरे उस बंदर भरे हुए थैले को लेकर के और उसे फर्श पर रखे, तो फर्श पर लगा वो बंदर बैग लेकर लड़ता था, अपनी चाहकर नहीं करता था। कभी कभी वह हवा में उड़ता भी था ऊपर, जिससे देहरादून प्लेटफॉर्म पर जो दर्शक लोग थे, जो वहां पर भीड़ थी, उन सबों का आकर्षक बना हुआ था वह क्रिमिच बैग। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर ए सहारनपुर। जब तक सहारनपुर पहुंचे तब तक वो बंदर बैग के अंदर ही बंद था, परंतु दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट गेट से ले रहे थे, तो टोटो ने थैले से सिर अपना बाहर निकालकर दांत दिखाना शुरू किया। द पुअर मैन वाज टेकन अवे, बेचारा आदमी तो डर गया जो वहां था, दिमाग से दादाजी का आक्रोश को भाग गया। उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, क्या आपके साथ कुत्ता है, तुम्हें इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह कुत्ता नहीं बल्कि यह एक बंदर है, उसका भाड़ नहीं लगना चाहिए। टिकट कलेक्टर ने मतलब टिकट संग्राहक ने टोटो को गन्ना करके समझाया, 3 रुपये भाड़े के रूप में देने पड़े। 3 रुपये दादाजी ने टिकट कलेक्टर को भाड़ा दिया, तो 3 रुपीज बाद सन एडेड ओवर एज रुपये। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टू फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेड कार्ड बाय तब दादाजी ने बदले की भावना से मतलब गुस्सा से अपनी जेब से एक कछुआ निकाला और बोले, क्या मैं इसका भी भाड़ा दूं? क्या आप सभी पशुओं का भाड़ा लेते हो? टिकट संग्राहक ने कछुए को नजदीक से देखा, उसे अपने अंगुली से दबाया और दादाजी को खुश होकर सौरयुक्त नजर डाली और कहा, कोई भाड़ा नहीं क्योंकि अब कुत्ता नहीं है, यानी टिकट कलेक्टर ने कछुआ का भाड़ा ही नहीं। तो ठीक है, आज मैं इस पार्ट को यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट को मैं आगे समाप्त करूँगा। थैंक्स।